धनेरिया कला नीमच की तरफ से जाने वाले दूरदर्शी रेलवे फाटक क्रमांक 15 पर अंडरब्रिज बनने के कारण अब आसपास के ग्रामीण अपनी जान दांव पर लगाकर पटरी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर रतन पंडित ने अपने कैमरे में कैद की है, जबकि यही वो रास्ता है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। वहीं जब हमने इन तस्वीरों के सामने आने के बाद निर्माण ठेकेदार से बात की तो वे 3 महीने में काम पूरा होने की बात कहते नजर आए हैं, जबकि जिम्मेदारों ने इस मामले को लेकर बात करने से मना कर दिया है। जबकि ग्रामीणों को अब करीब 3 किलोमीटर दूर दूरदर्शी से होते हुए अमावली महल से बिसलवास रोड पर आना पड़ता है। ईसाबाद से ये लोग गेट नंबर 16 पर आते हैं जो काफी दूर है। तो आपको ये जानकारी थी कि रास्ता बंद है चालू यहाँ का? नहीं, क्यों, कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल आ रही है, अभी इधर से आए हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। हमें तो अभी यही पता चला है, वो अंकल और सब आई इधर से आ रहे थे तो वहाँ हम भी इधर से आ। ये रेलवे फाटक नंबर 115, ये फाटक संभवतः 3 महीने के लिए बॉक्स डालने के 3 महीने तक ये काम अप्रोच का कर दिया जाएगा, ऐसा रेलवे का प्लानिंग है। उनके लिए 116 नंबर का जो रेलवे फाटक है उससे जाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ से ट्रैफिक, सभी तरह की गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाएंगी। वो गवर्नमेंट ने निकाली है, जो भी है इनका प्रोसीजर रहता है, रेलवे का अपना प्रोसीजर है, उसके हिसाब से उन्होंने निकाल रखी है। 3 महीने का मिनिमम टाइम इसके लिए लगता ही है। नीमच से रतन पंडित की रिपोर्ट।